ये हमारे पास आरपीएम की प्रॉब्लम लेके आई है गाड़ी, और इसकी थ्रॉटल बॉडी साफ दिखाई रही है, ऊपर साफ दिख रही है मगर अंदर तक गंदी है। इसका हम पलक खोलेंगे गाड़ी के अंदर, और गाड़ी हमारे पास रेगुलर आती है मगर अभी इसमें गाड़ी में कुछ और आरपीएम की प्रॉब्लम है। इसके अंदर के गैस का एडवांसर हमने इसमें 2 साल पहले किट लगाया था, इस गाड़ी के अंदर आई थी स्टार्टिंग प्रॉब्लम, तो हमने इसमें के गैस का एडवांसर लगा दिया है और उसके हम लेंगे ट्राई। ये गाड़ी आई 2 साल के बाद, इनकी गाड़ी के अंदर आई पलक की प्रॉब्लम आ रही है मेरे हिसाब से, तो जर्क मार रही है। जर्क क्यों मार रही है, किस कारण के मार रही है, मैं आपको 7-8 वीडियो एक वीडियो में बनाकर दिखाना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम की वीडियो भी है। और ये हमारे हैप्पी भाई आए हैं बिल्कुल फरीदाबाद से, हैं सीएनजी का काम कराने भी और सीएनजी फिटिंग कराने भी हैप्पी भाई हमारे पास ही हैं, तो ब्लॉग में बने रहे। पर दूसरी गाड़ी आई है, उसके अंदर भी हमने एडवांसर चेंज किया है, एडवांसर ख़राब हो गया था, पहले ये लगा हुआ था एडवांसर, तो हमने उसमें के गैस का लगा दिया। ये भी गाड़ी 3 साल हो गई थी लगे हुए, उसकी कॉइल ख़राब थी, हमने कॉइल चेंज कर दी, गाड़ी एकदम ओके हो गई है। अब गाड़ी की हम लेंगे पूरी ट्राई, और पूरी ट्राई लेने के बाद हम आपको अपडेट करते हैं कि अब गाड़ी की एक रिकॉर्ड बना रहे हैं आप लोग को, तो भाई सर्विस सीएनजी लगाने का क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सब चीज़ हम आपको दिखाते हैं वीडियो में।